हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। डंकी फिल्म का होगा इस दिन ट्रेलर आउट। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर हर कोई बेताब है और अब शाहरुख खान की फिल्म डंकी का इंतजार दर्शकों के बीच में काफी है। टीजर ड्रॉप 1 आ चुका है, टीजर ड्रॉप 2 का इंतजार है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि डंकी फिल्म का ट्रेलर आपको इस हफ्ते देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि दर्शकों को ये ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। सलार फिल्म के जरिए होगा एक बार फिर से KGF का आगाज। जी हाँ, KGF चैप्टर 3 फिल्म का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक यूनिवर्स बनाने का सोचा है, जहाँ पर प्रशांत नील यूनिवर्स नाम होगा इसका। और यहाँ पर सलार फिल्म के जरिए उनके पुराने फिल्मों के कलाकार सलार में शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको KGF स्टार यश देखने को मिलेंगे सलार में। क्या ये KGF चैप्टर 3 का क्लू देने आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक स्पेशल कैमियो करके ही प्रभास के साथ चले जाएंगे। एनिमल फिल्म का होगा इस दिन ट्रेलर आउट। जी हाँ, एनिमल फिल्म का ट्रेलर फाइनली आउट होने जा रहा है। और जहाँ पर फिल्म का ट्रेलर लगभग फिल्म के रिलीज होने से 1 महीने पहले रिवील होता है, लेकिन एनिमल फिल्म का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा फिल्म की रिलीज से 1 हफ्ते पहले, ताकि हाइप जो है बरकरार रहे, लोग फिल्म का आनंद ले सके। कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर आपको 23 नवंबर को देखने को मिलने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है उसे 1-2 दिन पहले आ जाए। ऑफिशियल अपडेट्स आने में अभी करना होगा थोड़ा इंतजार। टाइगर 3 ने 5वें दिन भी कर लिया है मुकाम हासिल। टाइगर 3 हाल ही में रिलीज हुई है, 5वें दिन की कमाई की बात करें तो लगभग 16.50 करोड़ इस फिल्म ने अपने नाम कर लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।